प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। दोस्तों हमारी बॉडी जो है 5 तत्वों से बनी है, ठीक है, लेकिन जल तत्व जो है सबसे ज्यादा प्रबल है, यानी कि हमारी बॉडी में 75% पानी है। और हम इन तत्वों को दोस्तों 5 तत्वों में से एक तत्व जो है जल तत्व है। इसके द्वारा इसका एक रेमेडी मैं आपको बताऊंगा। आपकी कोई भी परेशानी है, कोई मनोकामना है, तो वो आपके असंभव भी होगी। तो दोस्तों आपने अगर पूरी विधि जान करके जिस तरीके से बताऊंगा इस तरीके से अगर आपने कर लिया 100% इसका लाभ मिलेगा आपको। दोस्तों भगवान कहीं बाहर नहीं होता है, ये एनर्जी कहीं बाहर नहीं है। आपके अंदर 7 मेजर चक्रास हैं, ठीक है। इसमें एक एनर्जी होती है, जब जल का हमारे जल जो हमारी बॉडी में है, जो खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है, ये 7 चक्रों में एक एनर्जी क्रिएट करता है। तो दोस्तों सिर्फ नहाना है आपको और एक तिल लेनी है आपको, उसके जरिए आपकी कोई परेशानी है या आपकी कोई मनोकामना है वो बोलते हुए अगर आपने इस रेमेडी को कर लिया तो आप देखेंगे 21 डेज में आपको कितना मिरेकल तरीके से रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों मिरेकल तब होता है जब आपका विश्वास मजबूत होता है, एक दृढ़ संकल्प होता है अंदर। एक्सपेरिमेंट करने के लिए करेंगे, आजमाने के लिए, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। कभी भी किसी को आजमाने के लिए कोई प्रयोग ना करें दोस्तों, इनसे इनकी इंसल्ट होती है, अपमान होता है। तो पूरे फेथ के साथ में जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूं, इस रेमेडी को आप एक बार करके देखिए। एक बार में एक मनोकामना के लिए या एक परेशानी से मुक्ति के लिए आप इस रेमेडी को कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। उपाय कर लेने लायक है, एक बार ट्राई जरूर करें विश्वास के साथ में, पूरे फेथ के साथ में। जानकारी पूरी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और दोस्तों जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सफेद तिल जो होती है 21 दाने आपको ये किसी चीज में इकट्ठे रख लेने हैं, किसी कटोरी वगैरह में, बाउल वगैरह में 21 दाने इकट्ठे रख लें। घर के अंदर जो आपका ईशान कोण होता है, उत्तर और पूर्व इसके बीच में जो एंगल बनता है, इस कोण में आपको इस तिल को रख देना है। अब दोस्तों आपको नहाना है, आप कहीं भी नहा रहे हो, घर में नहा रहे हैं, बाहर नहा रहे हैं, कहीं भी नहा रहे हो, आपको ईशान कोण की तरफ मुख करके नहाना है। ईशान कोण मैंने आपको बता दिया है, काफी लोग समझते नहीं है कि उत्तर और पूर्व के बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो ईशान कोण होता है। मतलब ईश्वर की दिशा सबसे ज्यादा पॉजिटिव और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन होती है ईशान दिशा, ठीक है। तो आप घर में कहीं भी नहा रहे हो बस आपको ईशान दिशा तरफ मुख कर लेना है अपना, ठीक है। अब एक तिल का दाना जब नहाने जाएंगे तो अपने जो ईशान कोण में बाउल रखा हुआ है उससे एक तिल का दाना वहां से उठा लेंगे, अपनी जीभ की नोक में, जीभ के बाहर जो नोक होती है वहां पर उस तिल के दाने को आपको रख लेना है। निगलना नहीं है आपको, ठीक है, आपको उस दाने को जीभ की नोक में रख लेना है। सबसे पहले अपने क्या करना है, जब नहाने जा रहे हैं तो आपने दाना रखा तिल का, अब आपको जल देवता से, वरुण देवता से सबसे पहले उनका मंत्र जाप कर लें, ओम वरुण देवताभ्यो नमो नमः, ठीक है। इस मंत्र का आप जाप करेंगे जल देवता से, साथ में 7ों जो नदियां हैं पवित्र नदियों से, सूर्य भगवान से, सबसे हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो, या कोई ऐसी असंभव परेशानी है कि जिससे आप थक चुके हैं, ये परेशानी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है, जा ही नहीं रही है, तो ये परेशानी मेरी दूर हो जाए, या कोई ऐसी मनोकामना है कि आपको लगता है कि कभी पूरी होगी नहीं, तो वो मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी, बस आपको विनती करनी है, ठीक है। जल देवता से, सूर्य भगवान से, वरुण देव से, ये विनती करने के बाद में आप नहाना शुरू कर देंगे और वो मनोकामना जो होगी वो विनती बार बार मन ही मन बोलते जाएंगे कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो, बार बार आपको ये शब्द बोलते जाना है जब तक आप नहा रहे हैं। तिल जो होगा आपको जीभ की नोक में ही रखना है, ठीक है। अब नहाने के बाद में जो आप फ्री हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, फिर से सभी पवित्र नदियों को प्रणाम करें और साथ में जल देवता को प्रणाम करें, सूर्य देवता को प्रणाम करें। उसके बाद में तिल जो होगी आप निकाल लेंगे किसी बाउल वगैरह में, इसको अलग कहीं भी घर के सुरक्षित स्थान में, कोई छीए ना, कोई देखे ना, उसको इकट्ठा करते जाएंगे 21 डेज तक, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपका विश्वास बहुत ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है, तो 21 डेज से पहले ही इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जो भी मनोकामना आपने बोली थी वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी,
या जो भी आपकी परेशानी आप चाहते हैं मुक्ति मिल जाए तो परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कुछ भी हो जाए आपको 21 डेज इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। महिलाएं कर सकती हैं, वृद्ध कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं, ठीक है। महिलाएं नापाकी वाले दिनों को छोड़ देंगी, ठीक है, आगे से काउंट करेंगी। जैसे कि बीच में नापाकी वाले दिन आ जाते हैं तो उनको छोड़ करके 11 डेज हो रहे हैं, तो वो दिन छोड़ करके आगे से जब नापाकी वाले दिन खत्म होते हैं तो 12 आगे से जोड़ेंगे और 21 डेज कंप्लीट करेंगे। पैसे की समस्या, कर्ज की समस्या, दुश्मन की समस्या, नौकरी, व्यवसाय, A to Z कोई भी परेशानी है वो आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे आपने 21 दिन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ये तिल आपने जो इकट्ठे किए हुए हैं 21 तिल जो आपने मुख में रख करके जीभ में, ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, पीपल में नहीं, बरगद में नहीं, तुलसी में नहीं, किसी भी छायादार वृक्ष या कोई फलदार वृक्ष होगा, इन सबको इकट्ठा करके आपको फलदार वृक्ष होगा या छायादार वृक्ष होगा, अगर निर्जन स्थान में है जहां कोई आता जाता नहीं है तो और भी बेस्ट है, ठीक है। वहां पर थोड़ा सा गड्ढा खोदें, गड्ढा करीब इतना खोदेंगे जो ज्यादा बेस्ट है आपके पंजे के बराबर, और उसमें इसको दबा करके ये अपनी मनोकामना बोले कि पंच तत्वों से विनती करें कि हे पंच तत्व, ब्रह्मांड की समस्त, अगर मनोकामना 21 दिन में पूरी नहीं होती है, ठीक है, तो जब ये तिल के दाने दाने आप दबाने जाएंगे तो वहां फिर से ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों से, पंच तत्वों से, जल तत्व से आपको विनती करनी है कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो, मेरी ये परेशानी दूर हो, ऐसा कह करके वो तिल आप दबा देंगे और घर वापस आ जाएंगे। कुछ ही दिनों में देखेंगे दोस्तों 21 डेज में जिसको नहीं मिल रहा है तो 21 डेज के बाद से कभी भी आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा कि कुछ ऐसा योग बनेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा होगा कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपकी नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, हर काम में अड़चन आ रही है, तो वो सब पर अड़चनें दूर हो जाएंगी, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां, ब्रह्मांड की पवित्र एनर्जी वो आपको हेल्प करना शुरू कर देगी। दोस्तों रेमेडी बहुत पावरफुल है और इसको और भी ज्यादा यदि आप पावरफुल बनाना चाहते हैं तो अपने विश्वास की ताकत इसमें जोड़ दें, अपने दृढ़ संकल्प की ताकत इसमें जोड़ दें। जब ये दोनों एनर्जी इसमें आप ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे कि जिंदगी में कैसा मिरेकल होता है। एक बार में एक परेशानी के लिए, एक मनोकामना के लिए इस रेमेडी को करेंगे, जब एक पूरी हो जाती है तो दूसरी मनोकामना के लिए कर लें, दूसरी परेशानी के लिए कर लें। लेकिन मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो परेशानी के लिए नहीं करना है, जब परेशानी के लिए कर रहे हैं तो मनोकामना के लिए नहीं करना है। पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में एकदम पॉजिटिव होकर के इस रेमेडी को करेंगे, पूरे विश्वास के साथ में, फेथ के साथ में कि मैं काम कर रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं। ये भी आपके कर्म कर रहे हो, कर्म कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको, फल आपको मिलना ही चाहिए। इस संकल्प के साथ में करें, लालच में नहीं करना है कि अरे मैं कि लालच में आके मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक कर्म के साथ में करना है आपको कि मैं कर्म कर रहा हूं और कर्म का फल मुझे मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी कर्म कर लो आप, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलता है। और जब इस इंटेंशन के साथ में कि मैं कर्म कर रहा हूं तो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है दोस्तों, 100% मिलना है, लेकिन स्वार्थ में नहीं करना है, कर्म के हिसाब से आपको करना है कि मैं कर्म कर रहा हूं और विश्वास के साथ में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।